बगदावत भारत कथा भाग 18। रानी जयंती ने सवाई भोज को अपने पास महल में ही चौपड़ में उलझाए रखा और युद्ध भूमि में जाने नहीं दिया। सारे भाइयों की मौत के बाद सवाई भोज खुद रण क्षेत्र में जाने की तैयारी करते हैं। रानी जयंती से अपने अस्त्र मानते हैं तो रानी वहां पर भी एक वर मानती है कि मैं भी आपके साथ युद्ध में चलूंगी और आपके पीछे गुली घोड़ी पर सवार रहूंगी, मगर आप पीछे मुड़कर मेरी ओर नहीं देखना, नहीं तो मैं आपका सिर उतार लूंगी। ये वचन देने के बाद रानी सवाई भोज को उनके अस्त्र शस्त्र देती है। सवाई भोज अपनी सेना को साथ लेकर युद्ध करने के लिए राठौड़ा की पाल पर पहुंच जाते हैं। राव जी के सामने जाकर उनके ऊपर तलवार से हमला करते हैं। रानी जयंती अपना हाथ आगे कर देती है जिससे उसके हाथों की चूड़ियां कट जाती है। सवाई भोज पीछे मुड़कर कहते हैं, ये क्या करती हो रानी सा, अभी आपका हाथ कट जाता। रानी कहती है कि लाओ मेरा वचन पूरा करो, आपने वचन दिया था कि पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। इतना सुनते ही सवाई भोज खुद अपना सिर काटकर रानी को दे देते हैं। सवाई भोज की मौत की खबर सुनकर सवाई भोज की दूसरी रानियां भी वहां आ जाती हैं और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। मगर पद्मादे जो महेंदु जी की माँ थी, उन्होंने साधु माता को हाथ जोड़ने से मना कर दिया। वही भवानी 24 भाइयों की मुनमाला बना रही थी। इधर राव जी कहते हैं, भाई रानी कहाँ है, रानी के लिए ही तो युद्ध किया है। राव जी के इतना कहते ही पेड़ पर बैठी भवानी बोलती है, राजा जी ऊपर देखो। राव जी देखकर घबरा जाते हैं। रानी जयंती भवानी का रूप धारण कर गले में मुंड माला धारण कर 20 भुजाओं युक्त सिंह पर सवार बढ़के पेड़ पर बैठी हुई है। ये रूप देख राव जी और नींदेव घबरा जाते हैं। राव जी को रानी के विराट रूप के दर्शन करने के बाद राव जी पछताते हैं कि हमने ऐसे ही अपने भाइयों को खत्म कर दिया है। बगरावतों के मरने के बाद उनकी संपत्ति की लूट मच जाती है। कश्मीरी तंबू तो मंदसौर का मियाँ ले जाता है। जय मंगला और गज मंगला हाथी पीलोदा के कुम्हार ले गए और सवाई भोज की बुली घोड़ी सावर के ठाकुर दियाजी ले जाते हैं। सोने का पोरसा पहले ही तेजाजी लेकर चले गए थे और बगरावतों की अच्छी नस्ल की गाय नापागवाल गोस्मा डूंगरा में ले गया। राव जी नींदेव से कहते हैं कि सब सामान तो लोग लूट कर ले गए हैं। उन्हें बगलावतों के मारे जाने का अफसोस होता है और कहते हैं कि ऐसे भाई कहाँ मिलेंगे, और यह महसूस करते हैं कि यह सब भवानी की माया है जो बगलावत मारे गए। सारी रानियों के सती होने के साथ पद्मादे भी सती हो जाती है और साधु माता को सती होने से मना कर देती है क्योंकि भगवान ने अभी उनके यहाँ जन्म लेना है। सभी बगलावतों की रानियों की सती होने के बाद साधु माता हीरा दासी को साथ लेकर मालासिरी की डूंगरी पर रहने आ जाती है। अब राव जी कहते हैं कि बगलावतों के बालक टावर हो तो उन्हें मैं पाल पोस कर बड़ा करूं और वापस बगलावत खड़े करूं। ये बात छोछू भाट का मौसेरा भाई गांगा भाट सुन लेता है। उसे पता होता है कि बगलावतों के साथ 20 कुमारों 140 कुमार को छोछू भाट भाट मगरे में पाल रहा है। राव जी जब अपनी सेना के साथ भाट मंगरे पहुँचते हैं, वहाँ छोछू भाट मंगरे पर बैठा देखता है कि सेना आ रही है तो सभी 7 राजकुमारों को मंगरे में छोड़कर भाग जाता है। कालूमीर पठान राव जी से कहते हैं कि राव जी इनको पालने की गलती मत करना, इन्हें यही मार देते हैं, नहीं तो ये बड़े होकर अपने बाप दादों का बैर आप सहलगे। और कालूमीर कहता है कि राव जी 24 बगलावतों से युद्ध करते करते 6-8 महीने हो गए, ये तो पूरे 140 है, इनसे कैसे निपटेंगे। राव जी कालूमीर पठान की बात मान जाते हैं और उन्हें मारने का आदेश दे देते हैं। कालूमीर पठान उन बच्चों को वही मार देता है। उनमें से एक बच्चा बच जाता है भूनाजी, उसे पत्थर पर पटक देते हैं लेकिन वह बच्चा नहीं मरता है। इन्हें लक्ष्मण का अवतार बताया गया है। जब भूनाजी नहीं मरता है तो राव जी उसे अपना पिंडी पांच बेटा बना लेते हैं। अपनी पीली के चीरा लगाकर एक दूसरे का खून आपस में मिलाकर धर्म बेटा बना लेते हैं। भूनाजी को लाकर राव जी अपनी रानी को देते हैं और कहते हैं कि इसे भी राजकुमारी तारादे के साथ साथ अपना दूध पिलाओ और पाल पोस कर बड़ा करो। रानी अपने स्थनों के जहर लगाकर भूनाजी को दूध पिलाती है, भूनाजी फिर भी नहीं मरते। आखिर रानी भूनाजी को हाथी के पावों से कुचलवाने को कहती है। हाथी उन्हें अपनी सूंड से उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लेता है। ये सब देखकर रानी जी के भाई चांदारों के रहने वाले सातल पातल भूनाजी की चंटी अंगुली काटकर उन्हें खांडेराव का नाम देते हैं। सातल पातल भूनाजी की अंगुली काटते समय ये कहते हैं कि भांजे जब तू बड़ा हो जावे तब तेरे में ताकत हो तो हमसे बैल ले लेना। ये बात वहाँ बैठा एक पुनिया जात सुन लेता है और इस बात को गांठ बांध लेता है। वक्त आने पर भूनाजी को बता इस तरह बगलावतों के मारे जाने पर सारा परिवार अलग अलग हो गया। राव जी ने बगलावतों के साथ 20 कुमारों को भी मरवा दिया। उनके परिवार के बचे हुए 4 कुमार अलग अलग जगह पर पले बढ़े।
जिनमें सबसे बड़े मेहंदू जी अजमेर में, तेजाजी के बेटे मदनो जी उनके पास पाटन में, भूना जी रान में और भांगी जी बाबा रूपनाथ के पास ही पले बड़े।